बहुत पहले की बात है, सलीमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में जगदीश नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक 5 साल का लड़का था और वह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से जूझ रहा था। उस समय गांव में अस्पताल की सुविधा बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन जैसे तैसे करके उसका इलाज किया गया और काफी इलाज के करने के बाद भी वो जिंदा नहीं बच सका। रात में उसकी मौत होने से दूसरे दिन सुबह ही उसका अंतिम संस्कार करने का निर्णय किया गया। उसी रात को बगल के गांव में सोहन नाम के एक आदमी की कुएं में गिरने से मौत हो गई थी। उसके घरवाले ने उसी समय उसका अंतिम संस्कार कर दिया और उसकी आत्मा इधर उधर भटकने लगी। दूसरी तरफ जब सलीमपुर में उस मृत बच्चे की दफन करने के लिए जंगल की ओर जाने लगे, तभी उस बच्चे के शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी और वो उठकर खड़ा हो गया। ये सब देखकर सारे गांव वाले दंग रह गए और खुशी के मारे झूमने लगे। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि उस बच्चे के शरीर को किसी और आत्मा ने जकड़ रखा था। उस 3 साल के बच्चे में 20 साल के सोहन की आत्मा घुस चुकी थी। गांव वालों ने खुशी खुशी उसे घर लेकर आए, लेकिन वो बच्चा अपने घर आकर बहुत परेशान सा हो रहा था और एकदम चुपचाप रहता था। जब उसके घर वाले उसको खाना देते तो मना कर देता था और किसी से अच्छे बात नहीं करता था। बहुत कोशिश करने के बाद थोड़ा सा खाना खा लेता था। एक दिन वो बच्चा अपने पिताजी के साथ बाजार जा रहा था, तभी थोड़ी देर बाद अचानक उस बच्चे को वो कुआं दिखाई दिया जहां सोहन की मौत हुई थी। उस बच्चे ने अपने पापा से इशारा करते हुए बताया कि ये मेरा घर है और ये कुआं भी। उसके पापा बोले, नहीं बेटा, ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो उधर है। इतना कहकर वो उसको लेकर बाजार में चले गए। बाजार में चंदू नाम का एक आदमी मिला जो सोहन के गांव का था। बच्चा जब चंदू को देखा तो उसका नाम लेकर जोर से चिल्लाया। चंदू दंग रह गया कि ये इतना छोटा सा लकड़ा मेरा नाम कैसे जानता है। वो उसके पास गया और उस बच्चे से पूछा कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। तब वो बच्चा सारा बात बताया और बोला कि जब मैं कुएं में गिरा तो मेरी मौत नहीं हुई थी, मैं जिंदा था, मेरी सांसें चल रही थी और तुम लोगों ने मुझे जला दिया। मेरी आत्मा इधर उधर भटक रही थी, तभी मैं इस बच्चे के लाश को जाते हुए देखा और इसके शरीर में चला गया और तब से इसके साथ रहने लगा। दूसरे दिन चंदू अपने गांव में ये बात को फैला दिया कि सोहन मरा नहीं बल्कि जिंदा है। ये बात सुनकर सोहन के पूरे परिवार बहुत खुश हुए और उससे मिलने चले आए। उस बच्चे ने अपने परिवार के एक व्यक्ति को पहचान लिया और वह अपने परिवार के साथ अपने गांव वापस चला गया।